नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यार, प्रखंड और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 के जो प्रत्याशी है सुबोध जी मेरे साथ मौजूद है, और उनका जो काफिला जो कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ में खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग बाइक रैली का जो समर्थन कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी जनसंख्या में लोग जो है सो बाइक रैली में सब शामिल हुए हैं। तो मेरे साथ में जो सुबोध जी मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारे लोग का समर्थन इनको कितना मिल रहा है। तो सुबोध जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, और जो आपके साथ में काफिला है वो किस तरह कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ में चल रहे हैं और किस तरह आपकी नैया पार करा रहे हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम के से सभी लोगों को प्रणाम, और मेरा दोस्त को देख रहे हैं, जितना भी जन सैलाब देख रहे हैं सब हमारे एकदम मित्र है, सब एकदम युवा सब मेरे साथ है, और गार्जियन भी मेरे साथ, एकदम पूरा गार्जियन का आशीर्वाद भी मिल रहा है। हर तरफ देखिएगा मेरा ही चर्चा है, और आज मेरा जन सैलाब देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या मेरा कितना एक युवा है, और युवा सबका एकदम हम मेरे ऊपर एकदम दिलो जान से एकदम प्यार कर रहे हैं। सारे लोग मेरे समर्थन में, फुल समर्थन में हैं। जैसे बहुत सारे प्रत्याशी 26 के जिला परिषद क्षेत्र संख्या में बहुत सारे प्रत्याशी लाइन में है, तो सबसे ज़्यादा आपका ही वर्चस्व क्यों है, ऐसा क्यों मतलब देखने को मिल रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ मैं किया, हर जगह एक प्रतिनिधि रहते हुए मैं जितना विकास मैं कर दिया, आज तक कोई सोचा भी नहीं था उतना विकास युवा होते हुए मैं किया। और भी जो प्रत्याशी है उनमें सबसे ज़्यादा युवा आप ही हैं कि और भी हैं? जी नहीं, इससे में तो सबसे ज़्यादा युवा अभी हम ही हैं, और इसीलिए आपको युवा का समर्थन मिल रहा है। तो अभी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी जनसंख्या में जन सैलाब की तरह लोग जो है बाइक से सवार है और आपको कंधा से कंधा मिलाकर समर्थन आपको दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस तरह का जो चुनाव जो फाइट आप कर रहे हैं, तो इसमें कितना आपको सफलता आपको लग रहा है, कितना सफलता हमको मिलेगा आपको? 100% सफलता मिलेगा हमें, कोई टक्कर में है ही नहीं मेरे साथ। तो ठीक है, ये सुबोध जी थी, इनके कार्यकर्ता है बहुत सारे जो बाइक पर सवार है, एक दो से हम जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत सारे प्रत्याशी लाइन में हैं और उसमें एक युवा सुबोध जी है, तो आप लोग जो इन तरह इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना समर्थन आप लोग का मिल रहा है इनको? जितना इन्होंने काम कर दिया है अपने क्षेत्र में, अगर उतना जनता इनको पूरा समर्थन अपना पूरा सपोर्ट दे दे, तो ये निश्चित है कि चुनाव 2000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। मतलब पूरा सेटिस्फाइड? बिल्कुल, हम लोग एकदम सेटिस्फाइड है, ये चुनाव हर हाल में सुबोध जी को जीतना है तो जीतना है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। महेश जी, आप लोग जो बाइक रैली में शामिल हुए हैं सुबोध जी के साथ में जो है, तो आप लोग का क्या कितना समर्थन मिल रहा है इनको? हम लोग काम पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये काम अच्छा किए हैं, इसके लिए हम लोग इनके साथ है। तात्पर्य हो गया कि इस पंचायत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अधिक मात्रा में इसको लीड करना है इधर से, यानी कि जिला परिषद का ताज इनके सर पे आप लोग पहनाई देंगे? एकदम, इनके सर पे जिला परिषद का काम के नाम पे ताज है, काम किए हैं इसके लिए उनको ताज मिला है। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सर। आपका कितना समर्थन मिल रहा है सुबोध जी को? फुल सपोर्ट है, एकदम फुल सपोर्ट है जी, पूरा या वैसे मन हर एक चीज से। ऐसी क्या खास बात है सुबोध जी में? अपने पंचायत के अंदर इन्होंने 12,511 राशन कार्ड दिए हैं गरीब अनाथ को, जिनको राशन कभी नहीं मिलता था उनको मिला है, उनका सपोर्ट है सबके साथ, बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद है इन लोग इन चाचा के ऊपर। मतलब चुनाव से पहले भी इन्होंने समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, तभी तो इतना सपोर्ट मिल रहा है ना। ठीक है, और भी लोग इनसे जान लेते हैं। मतलब सुबोध जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है लोग, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र साहब। सुरेंद्र जी, सुबोध जी ने कितना विकास किया? बहुत अच्छा काम किया, 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आप लोग का समर्थन मिल रहा है? 100% से समर्थन है। जिंदाबाद, ले लीजिए पूरा। जिंदाबाद, नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइक का जो रैली है उसमें बहुत सारे लोग जन सैलाब की तरह उभरे हुए हैं, और लोग जो है यहाँ सुथियारा से परियार अंदौली की तरफ रवाना हो रहे हैं, और सब लोग यहाँ ऑन रोड पे इकट्ठा है। और फिर आपसे मिलते हैं किसी नए समाचार के साथ, कैमरामैन गुलजार के साथ, सुथियारा गाँव परियार प्रखंड। लाइन से ले लीजिए।